हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एमपीपीएससी 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान का। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर। ठीक, ये 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 200 नंबर का होता है। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो आपको याद रखना है अरबी भाषा से। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कब हुई है? अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम, पवन है। इन पवनों की दिशा मौसम के अनुसार बदलती है। दूसरा क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दूसरा क्वेश्चन है, गंडक परियोजना निम्न दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपको याद रखना है बिहार नेपाल की। गंडक परियोजना यह गंडक नदी पर है, जिसका उद्गम नेपाल से होता है। गंडक परियोजना बिहार एवं नेपाल के बीच है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, याद रखना है आपको। आपको बता दें या कुछ जानकारी दे दें कि 2019 में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर, 2019 में 28 राज्य बचे हुए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर। तो अब याद रखना 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य, जिसमें सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है? तो आपको याद रखना है देवप्रयाग, याद रखना है देवप्रयाग। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है? तो देवप्रयाग, डी ऑप्शन है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में है, जहाँ पर इन दोनों नदियों का के मिलन से इनके सम्मिलित रूप से गंगा नदी कहा जाता है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है प्लेस्टोसीन से। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेस्टोसीन से, ये ऑप्शन सही है, महान हिमयुग का संबंध प्लेस्टोसीन से है। छठवां क्वेश्चन है, रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, रेगर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी, बी ऑप्शन सही है पांच छठवें का। रेगर मिट्टी को काली मिट्टी तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र बहुतायत से पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है, आईआईसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो आपको याद रखना 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, PIL है, तो आपको याद रखना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये ऑप्शन सही है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ठीक है, फिर है हमारा नौवां क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको याद रखना है कितने अनुच्छेद हैं, 30, सी ऑप्शन सही है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद हैं। दसवां क्वेश्चन है, आपार्थिक है,
तो आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में पिछले संस्थागत प्रजाति पृथकता की व्यवस्था आपार्थिक 1948 और 91 के बीच दक्षिण अफ्रीका में संस्थागत नस्लीय भेद और भेदभाव की एक प्रणाली थी। 11वां क्वेश्चन है, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो 11 का बी ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन नंबर है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस वित्तीय वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर को इस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता है सोली जे सोरावजी। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक सोली जे सोरावली है, सोली जे सोरावली। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, यूएन द्वारा सन को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया, तो आपको याद रखना 1975 यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है अनुसूचित जाति के सदस्य। यह अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, ए ऑप्शन है। 16वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो इसका है अस्पृश्यता उन्मूलन से, सी ऑप्शन है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अब है 18वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो आपको याद रखना है सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का। यह प्रयोग शक्ति का प्रयोग कर सकता है व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का संप्रहण, व्यक्ति की का माप लिया जा सकता है, लेकिन सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता है। सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का अधिकार राज्य सरकार का है, इसलिए यह शक्ति न्यायालय प्रयोग नहीं कर सकता। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा 19वां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम ना हो, तो आपको याद रखना उप अधीक्षक, इस शब्द को याद रखना उप अधीक्षक, उप निरीक्षक नहीं उप अधीक्षक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण उप अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, याद रखिए 11 सितंबर 1989 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और 30 जनवरी से ये लागू हुआ था, 30 जनवरी 1990 से। ठीक है, अब ये सभी संपूर्ण भारत में लागू होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। बात करते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णता निषिद्ध है, तो आपको याद रखना है गिरफ्तारी पूर्वक जमानत। ठीक है, गिरफ्तारी पूर्व जमानत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णता निषिद्ध है,
21वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है। तो याद रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय भी निर्दिष्ट कर सकती है। अब है 22वां क्वेश्चन, कौन सा 22 नंबर का। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजना में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो आपको याद रखना है, उपयुक्त सभी, दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, डी ऑप्शन है इसमें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजना में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। बात करते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं, तो संज्ञेय, याद रखना है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय हैं। 24वां क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, डी ऑप्शन है इसमें। ईमेल पते के दो भाग उपयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम होता है। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। मेन्यू में की सूची होती है, तो याद रखिए कमांड, मेनू में सभी की कमांड की सूची होती है, डी ऑप्शन है 25 का। 26, जंक ईमेल की भी कहते हैं किसे? स्पैम को। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं, याद रखिए। 27 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो याद रखना है आपको एक्सेल, एक्सेल यह एक सॉफ्टवेयर है, अन्य सभी माउस, पेंटर, मॉनिटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर है। 28वां क्वेश्चन है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो आपको याद रखना है एम्बेडेड कंप्यूटर, एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। 29वां क्वेश्चन है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो आपको याद रखना है टिम वर्नर्सली, WWW के आविष्कारक टिम वर्नर्सली थे, सी ऑप्शन है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को पत्रक को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है OMR, बी ऑप्शन सही है। OMR का उपयोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में उत्तर जांचने के लिए उपयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं 31वां क्वेश्चन, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 22 मई 1955, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को ही, आपको याद रखना है। अब रखना है आपको क्या, अगला है 32, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है, तो आपको याद रखना है 230, ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अब आपको याद रखना है 33वां क्वेश्चन, राम तानसेन का मूल नाम है? तो आपको याद रखना है रामतनु पांडे, तानसेन का मूल नाम क्या है? इस सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। फिर हमारा 34वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिए गौड़, मध्य प्रदेश की भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है तथा राज्य में यह भील के बाद द्वितीय बड़ी जनसंख्या है, भील पहले नंबर पर मध्य प्रदेश में, याद रखना है ये सब। देवास प्रसिद्ध है किसके लिए? तो करेंसी नोट की छपाई के लिए।
देवास में करेंसी नोट की छपाई की जाती है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 75 क्षेत्र में की गई थी, आपको याद रखना है। 36 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, तो आपको याद रखना है भोजपुरी नहीं है, ब्रजभाषा, मालवी और निवाड़ी, ये तीनों MP की भाषाएं हैं। भोजपुरी बोली मध्य प्रदेश में नहीं अपितु बिहार में बोली जाती है, बिहार की बोली है। अब हमारे हैं 37वां क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी का जन्म 1835 में वाराणसी में हुआ था और 18 जून 1858 को देश के लिए बलिदान हो गई थी। 38वां क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आपको याद रखना है अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, यह अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है। अब बात करते हैं हम लोग 39वें क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको याद रखना चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है, याद रखिए बीयड़ नदी पर है स्थित। सहस्त्रधारा 8 मीटर है इसकी, नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा 15 मीटर है इसकी लंबाई, नर्मदा नदी पर। भालकुंड बीना में है, बीना नदी पर, 38 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब बात करते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन नंबर, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आपको वैसे भी याद है छिप्रा नदी, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर जिले में स्थित है, किस जिले में, तो आपको याद होगा छतरपुर जिले में, बी ऑप्शन है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है, इसका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईस्वी में कराया गया, याद रखिए। विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल है, विश्व धरोहर स्थलों में खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1946 में। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी व एकमात्र केंद्रीय यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर की स्थापना 1946 में की गई थी। 45वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे किस जिले को कहते हैं, तो आप लोगों को कहना है सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है, तो आपको याद रखना है चंदेरी, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार चंदेरी है। चंदेरी है एक शहर है जो अशोकनगर जिले में है, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 45वां क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना पीटी उषा जी, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं पीटी उषा जी, याद रखना है आपको गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा जी। क्रिकेट की एक गेंद का वजन कितना होता है, तो आपको याद रखना है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। क्रिकेट की यह गेंद का वजन 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक तथा बल्ले की लंबाई 38 इंच तथा चौड़ाई 4.25 इंच अधिकतम होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है, याद रखिएगा आप लोग। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था, तो याद रखना है आपको कमलजीत संधू। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में भारत की कमलजीत संधू ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल की प्राप्त किया था, याद रखिए। 48 है क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना है क्रिकेट, ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है, जबकि स्कीइंग, साइकिलिंग, तीरंदाजी सम्मिलित है। आपको याद रखना है शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं,
तो आपको पता होगा जैसे कि 64 बी ऑप्शन सही है। शतरंज के एक बोर्ड में 64 खाने होते हैं। 50वां क्वेश्चन है, सन 2014 तक किस देश ने हॉकी वर्ल्ड कप खिताब को तीसरी बार जीता? तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है। नीदरलैंड ने 1998 में, भारत ने 1995 में, सॉरी 1975 में, ऑस्ट्रेलिया ने 1986 10 2014 में, पाकिस्तान ने 1971 78 82 94 में। हमारा है 51वां क्वेश्चन, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द है तो याद रखिए तैराकी से। ये ऑप्शन सही है, तैराकी से संबंधित बटरफ्लाई स्ट्रोक है। मुक्केबाजी से हुक और पंच शामिल है शब्द, और कुश्ती से हीव और मेट संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। 52 क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो आपको याद होगा जैसे कि 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। कंफर्म कर लेते हैं हम लोग एक से। खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे। 53वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? वो आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, किंतु पाटलिपुत्र यह नंद वंश, मौर्य वंश और कर्ण वंश आदि वंशों की राजधानी थी। 54वां क्वेश्चन है, कौन सा 54वां, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा किया द्वारा हुआ है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद याद रखना है आपको, डी ऑप्शन है इसमें। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव ऋग्वेद द्वारा हुआ है, यह सबसे प्राचीन वेद है। 55, पंचतत्व मूल रूप से लिखी गई है, तो आपको याद रखना है विष्णु शर्मा द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित पुस्तक है। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना है रामेश्वरम, पुरी है, द्वारिका है, मानसरोवर है, रामेश्वर, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी है आपका, द्वारिका है, और रामेश्वरम है, मानसरोवर नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? मानसरोवर। 52वां संप्रदाय के पूजनीय चार धाम स्थल इस प्रकार है, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में, द्वारिका गुजरात में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन की, महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? तो याद रखना है 12 वर्ष। महाकुंभ का आयोजन भारत के चार स्थानों पर, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद में है। सामान्यतः महाकुंभ एक स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो याद रखिए सहनाई, सहनाई वाद्य यंत्र पूर्णतः भारतीय है वाद्य है, जबकि सितार, तबला, सारंगी इनका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया तथा यह वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का है। सहनाई याद रखिए। 59 क्वेश्चन नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, तो याद रखना है 51 से 52 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 52 में हुआ स्टार्ट। इस योजना में कृषि विकास पर बल दिया गया, साथ ही समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह योजना हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 60वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण।
सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जय विकास नारायण सम्मिलित थे। 61वां क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो याद रखना है भारत, सी ऑप्शन है 62 का। 63, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो चीन, भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत चीन है। 63 में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो आपको याद रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सी ऑप्शन है। उपर्युक्त में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न में शामिल है, जबकि दी गई अन्य कंपनियां महारत्न में शामिल है। अपना 65वां क्वेश्चन नंबर 65, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है अंगूर का उत्पादन, विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से संबंधित है। 66वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है? तो याद रखना है वाद युग, मौलिक अधिकार वाद युग है। यह भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, अर्थात किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में न्यायालय में रिट लगाई जा सकती है। 헤ड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो याद रखिए 1925, डी ऑप्शन सही है। 헤ड गेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 68वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है व्यापारी वर्ग, सामाजिक आधार कृषि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग आदि भारत में कम्युनिस्ट के हैं किंतु व्यापारिक वर्ग नहीं है। 69वां क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्वि सदनीय विधायिका लाया? तो आपको याद रखना है 1919, सन 1919 के भारत शासन के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वि सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। बात करते हैं 70वां क्वेश्चन, निर्देशक तत्व क्या है? तो याद रखिए गैर नियोजित, नीति निर्देशक तत्व गैर नियोजित हैं, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन है 70 का। 71, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो याद रखना आपको 42वें संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मपिक निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो याद रखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अपना है फिर 72 क्वेश्चन, रबी की फसल बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर में, रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में। भारत में रबी की फसल को अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है, इसमें मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। 73वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ठीक है, और एमपी का है NH3। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 1226 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 1490 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 2058
किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2369 किलोमीटर है। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिए, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो याद रखिए, नगरीकरण। वास्तव में शहरीकरण ही वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में से एक है, बाकी सभी विकल्प वनों की कटाई के दुखद परिणाम हैं। 76वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। भागीरथी नदी निकलती है, तो याद रखिए, गौमुख से। सी ऑप्शन सही है। भागीरथी नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी बनती है। 78वां क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। 79, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय का। सी ऑप्शन सही है, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है, और अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है, एवं सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताशय नहीं है? तो आपको याद रखना है, बेंगलुरु नहीं है, कोचीन है, मंगलोर है, कांडला है। भारत के प्रमुख पोतासय कोचीन, मंगलोर, कंडला आदि हैं, जबकि बेंगलोर पोताश्रय नहीं है। 81वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। डी ऑप्शन है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो याद रखना है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण 1893 में दिया। 83वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? आपको याद रखना है, भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह संविधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आपको बता दें, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आ गया है, 2015 में। ठीक, अब बात करते हैं 84वें क्वेश्चन की, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आपको बताना है, रंगून। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय म्यांमार की राजधानी रंगून में था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। अभय, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको बताना है, कब? 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। 86 क्वेश्चन है, सत्यार्थ विकास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ विकास ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वह एक भारतीय समाज सुधारक थे।
सर हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो आपको बताना है लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया गया था। 88वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? तो आपको बताना है 1833, चार्टर एक्ट 1833, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1813 के एक्ट में चाय और चीन को छोड़कर व्यापार एकाधिकार खत्म किए गए थे, 33 में इन्हें भी खत्म कर दिया गया था, चाय और चीन को। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपको बताना है दक्षिण कोरिया। आसियान एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है, इसके सदस्य हैं वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया आदि देश हैं, किंतु दक्षिण कोरिया इस संगठन का सदस्य नहीं है। आपको बताना है अब अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हुई 2 से 3 दिसंबर 1984 को, याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी पूछा जाता है कई बार, तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को मध्यरात्रि में मेथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव में हुई थी। इस त्रासदी में हजारों लोग प्रभावित हुए थे, तो आपको याद रखना है मेथाइल आइसोसाइनेट कई बार पूछी जा चुकी है, कौन सी गैस थी मेथाइल आइसोसाइनेट। 91वां क्वेश्चन है, किस देश में प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया गया है? तो आपको बताना है चीन। सर्वप्रथम चीन में 3D दूरदर्शन प्रसारण का प्रायोगिक तौर पर प्रयोग करके देखा गया है। 92वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है? तो आपको बताना है राजमार्गों के विकास से प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध है। इस परियोजना के द्वारा राजमार्गों का सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। 93वां क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो आपको बताना है एडवर्ड जेनर, सी ऑप्शन सही है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं, जिन्हें चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 94वां क्वेश्चन है, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है झुंपा लहेड़ी नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं लोलैंड, अनकस्टम अर्थ आदि। 95वां क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? तो आपको बता देना है 28 जनवरी 1950। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। फिर है 96वां क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है? स्वास्थ्य क्षेत्र, याद रखिए सी ऑप्शन सही है। यूनाइटेड किंगडम ने केरल राज्य के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है। इस साझेदारी के पूर्ण होने से राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। 97वां क्वेश्चन है, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? तो आपको बता देना है ओंड। नौका पर्व का संबंध ओंड से है, जो केरल राज्य का विशिष्ट पर्व है, जबकि अन्य पर्व पोंगल तमिलनाडु तथा बिहू असम राज्य का पर्व है। 98वां क्वेश्चन है, क्या है प्राकृतिक आपदा हिरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है? तो 1991 से 2000 तक, ए ऑप्शन है। प्राकृतिक आपदा हिरासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक रहा है 1991 से 2000 माना जाता है। इसका मूल उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीवन संपत्ति के विनाश और सामाजिक व आर्थिक विघटन के नुकसान को कम करना था।
99 मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता देना बिहार से। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से, या राज्य बिहार राज्य की मिथिला क्षेत्र में दीवार पर पिलास्टर पेंटिंग है। लास्ट क्वेश्चन है शोभा, कौन सा है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम पर्यावरण में हो रही क्षति को रोकने को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान हेतु बनाया गया था बनाया गया ठीक है, छाता विधान। तो चलिए दोस्तों, ये था MPPSC 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर, सॉल्व कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे MPPSC प्रारंभिक परीक्षा का 2014 का पेपर फर्स्ट, ठीक है, उसे भी सॉल्व करेंगे।